Hey there Pisces, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. This is your reading regarding particular matter कि आप अगर अपने partner से separated हैं तो उसके हवाले से ये reading है कि आपके partner की जो energies हैं उनको pick करने की कोशिश करूँगी मैं कि आपके partner क्या सोच रहे हैं आपके हवाले से, इस relationship के हवाले से, आगे बढ़ाने के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं. So start your reading. क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर. थ्री ऑफ वॉन्ड और टू ऑफ कप. डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो वेटिंग पे हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस से वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे लव कनेक्शन दोबारा से जोड़ेंगे या फिर इमोशनल कनेक्शन में हैं वो अभी भी, और वो वेटिंग पे हैं कि कब आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिलता है या नहीं. और कार्ड्स देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं इसके हवाले से. सो डेफिनेटली वो आपको कोई मैसेज भी करेंगे, हो सकता है करना चाहते हों. और अगर आप सेपरेटेड हैं, अगर आप पहले रिलेशनशिप में थे और अब आपका रिलेशनशिप जो है किसी वजह से हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं अगेन, बट दे आर कन्फ्यूज्ड. हो सकता है उनके बहुत सी ऑफर्स हों, मैरिज प्रपोजल भी हो सकते हैं, लव ऑफर्स भी हो सकती हैं, बहुत सी, लेकिन वो आपके इंतज़ार में हैं कि आपके साथ, क्योंकि उनको इमोशनली एक कनेक्शन फील होता है तो आपसे, आपके इंतज़ार में हैं. बट और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, या फिर अगर वो आपको करना चाहते हैं, अगर आपको प्रपोज करना चाहते हैं तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अगेन आपके साथ एक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र लेके आपके पास आना चाहते हैं, स्टेबल एंड सॉलिड ऑफ़र लेके. तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आपको उनको आपके पास आना चाहिए या नहीं, या फिर वो हो सकता है कि आपकी तरफ से उनके पास एक ऑफ़र आई हो क्योंकि आप और उनका एक कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उनको एक प्रपोज़ किया हो बट वो कन्फ्यूज़ हैं कि उनको दोबारा से ये प्रपोज़ल या जो भी लव कनेक्शन बनाने की एक ऑफ़र है उसको दोबारा से एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, उनको एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, या वो बहुत से सवाल उनके जहन में हैं, बहुत से सवालों के जवाब उनको चाहिए, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन है. और हो सकता है ईगो की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हों, डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो. और यहाँ पर मून कार्ड एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कुछ फाइट है जो कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए, कुछ मैटर्स हैं, कुछ ऐसी टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ फाइट है, कुछ ऐसे अल्फाज एक दूसरे को आप लोगों ने बोले हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसको अभी भी रिजॉल्व होना है, जो कि अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है. तो वो चाहते हैं कि आप उसको पहले आकर क्लियर करें, पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें, फिर ये आप उस कनेक्शन बनाने की बात उनसे करें. या फिर हो सकता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हों, कहीं किसी और का वेट कर रहे हों और आप उनको ऑफ़र करते हों, तो किसी वजह से वो आपको कन्फ्यूजन में उन्होंने रखा हुआ है, वो आपको बताना नहीं चाहते कि वो किसी और में इन्वॉल्व हैं. और बट यहाँ पे मैनिपुलेशन है, उस मैनिपुलेशन को पहले रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. मैं आपको सही से कार्ड्स शो करूँ, यहाँ पर मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. यहाँ पर जो भी क्लैश था उसकी वजह से वो कन्फ्यूज हैं, और ईगो उनके सामने आ रही है कि वो बात करने में पहल नहीं करना चाह रहे. तो आप या तो आप वो चाहते हैं कि आप सामने आए और क्लैरिटी के साथ सामने आए, फिर जाके वो अपनी हैप्पीनेस को दोबारा से जो है वो हासिल कर सकेंगे इस रिलेशनशिप में. सो दे आर रेडी टू टॉक और टू क्लियर आउट दिस कन्फ्यूजन फर्स्ट,
देन वो इस रिलेशनशिप की तरफ दोबारा आएंगे, देन वो फुली तौर पे हैप्पी महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप में। या फिर आपको किसी उनको कोई क्लैरिटी देनी है आपको, जिसकी वजह से वो रेडी टू टॉक हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर है और वो कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, उनकी वजह से कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, उनकी वजह से कुछ रुकावट है, उनकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन है, या फिर ये आपकी ईगो है, उनकी ईगो है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, फादर फिगर हैं जो कि जिनकी वजह से ये फाइट है, या वो इस फाइट फादर फिगर जो है पहले डिमांड करें कि आप ये फाइट को क्लियर करें, और पहले जो भी इल्ज़ामात हैं या जो भी टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, पहले उस हवाले से बातचीत करें, उसको रिजॉल्व करें, उसकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, उसके बाद कमिटमेंट की बात की जाए। कन्फ्यूजन है, आप दोबारा से शायद उनको ऑफ़र कर रहे हैं, या वो वेटिंग पीरियड पे हैं ऑफ़र करने के बाद, और यहाँ पर वो लेकिन कन्फ्यूज भी हैं कि क्यों कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो यहाँ पे प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हैं। हो सकता है आपका पार्टनर ये चाहता हो कि जो पुरानी बातें उनको भूलने के बाद, आपके पार्टनर चाहते हैं कि पुरानी बातें भुला कर दोबारा से एक कनेक्शन बनाते हैं, बट वो ख़ुद कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर हो सकता है आपके फादर जो हैं इस उनकी तरफ से इस ऑफ़र को बग़ैर क्लैरिटी के एक्सेप्ट ना कर रहे हों, और वो पहले क्लैरिटी चाहते हों और उसके बाद जो है वो दोबारा से एक्सेप्ट करें। ये थी पाइसेस आपकी रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लाइक एंड कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।